नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ किरण शर्मा। देश के कई हिस्सों से जेलों के अंदर होने वाले एनकाउंटर, मारपिटाई या कैदियों के भागने की तस्वीरें और खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला नूह से सामने आया है। नूह जिले में नूह हिंसा के आरोप में अलग अलग मुकदमों में बंद 7 कैदियों के साथ करीब 5 दिन पहले बड़ी बेरहमी से जिला प्रशासन द्वारा पिटाई का मामला सामने आया। यह पूरा वाक्य नूह के सालंबा स्थित जिला जेल का बताया जा रहा है। शनिवार को पुलिस ने मंडीखेड़ा स्थित अलाफिया अस्पताल में 7 में से 5 कैदियों का डॉक्टरों के 3 सदस्य बोर्ड से मेडिकल कराया गया। इस मामले में विचाराधीन कैदियों ने जहां जेल के पुलिस कर्मियों पर मारपीट करने और अनैतिक यातनाएं देने का आरोप लगाया है। अभी तो जांच और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप कैदियों की बात सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, मारा गया हमें जेल में और नाजायज मारा गया, बिना बात के। वहाँ उन्होंने एक कम्युनिटी के खिलाफ हमें भड़काया जा रहा था। वहाँ पे एक बैरिक में वहाँ वो लोग कह रहे थे कि जबरदस्ती खड्डी। आपका नाम क्या है? शौकीन है सर। है जी, शौकीन है मेरा नाम सर। किस तरह मारा है आपको? प्रशासन ने। किसने मारा है? प्रशासन ने। शनिवार को पुलिस अधिकारी जेल से मेडिकल जांच कराने सोहेल, शौकीन, ओसामा, इम्तियाज को लेकर आए। देखा गया कि जब पुलिस अधिकारी उनको मेडिकल कराने लेकर जा रहे थे तो जहां उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी वहीं उनकी हालत ऐसी थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे। नूह अस्पताल ने विचाराधीन कैदी सोहेल, मोइनुद्दीन इम्तियाज, राहुल, इमरान पुत्र साहुन, इमरान पुत्र फतेह मोहम्मद, शौकीन का मेडिकल कराने के आदेश दिए हैं। इस बीच पीड़ित पक्ष के वकील हारून ने आरोप लगाया कि कैदियों को गैर कानूनी तरीके से हथकड़ी लगाई गई है जिसकी अदालत से कोई परमिशन नहीं ली गई है। हारून का कहना है कि वह इस बारे में अदालत में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए याचिका दायर करेंगे। देखिए पीड़ित पक्ष के वकील एडवोकेट हारून ने क्या कुछ कहा। कोर्ट में इन्होंने, हमारी जानकारी में है नहीं, इन्होंने ऐसी कोई परमिशन कभी ली नहीं कि भाई ये इस तरह के क्रिमिनल मुकदमे में हैं और बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, हमें परमिशन दी जाए हथकड़ी लगाने की। उन्होंने ऐसी कोई परमिशन हमारी नॉलेज में तो है नहीं, ना उन्होंने ली और ना ही वो लगा सकते हैं। क्या ये गलत है? ऐसा पूरी तरह से गैर कानूनी है, कर ही नहीं सकते। क्या इनका आप अदालत में इस बारे को रखेंगे, मामले को? बिल्कुल रखेंगे, कोर्ट के सामने भी रखेंगे। जो आपका जो मुवक्किल हैं उनकी हालत कैसी थी जब हथकड़ी लगा रखी थी? वो बहुत इन्होंने मारे पीटे हैं, उनके चोटिल हैं। और अभी राहुल तो इन्होंने हथकड़ी में नहीं पेश किया था, उसको तो रूटीन में लेके आए थे, बल्कि और जो ये मुलजिम को लेके आए वो हथकड़ी में उनसे चला नहीं जा रहा, वो उनकी फिजिकली पता चल रहा है कि उनको मारा पीटा है उन्होंने। आपको बता दें कि नूह हिंसा के बाद सैकड़ों युवाओं को मेवात पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर सालंबा जेल में भेज दिया गया था। जेल में बंद करीब 7 विचाराधीन कैदियों ने अपने परिजनों से मिलाई के दौरान बताया कि जेल के पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ 11 दिसंबर को बेरहमी के साथ मारपीट की। देखिए कैदियों के परिजनों ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम है जी आपका? आपके लड़के के साथ में पिटाई की गई है जेल में, क्या मामला है? जेल में अच्छी पिटाई करी, जेल में बहुत मारो है। क्या नाम था? शौकीन नाम को। तो अब आपने देखा है किस तरह से चल रहा था, क्या स्थिति है? क्यों मारा था, कुछ पता चला? कुछ पता ना, मैंने मारो जेल में मारो, 4 महीना हो जाएगा। किस मामले में उसको गिरफ्तार किया गया था? किसाई में बनाई तो झगड़ा को हम पकड़ो इन रात, किसाई में बनाओ यू तो अपने बेटे से मिली है लगायो ना मिलन दी बेटे से मिली है ना मिलन दी। इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्हें अनैतिक यातनाएं भी दी गई हैं, जिसके बाद जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधि मौलाना आलम गुमुट और वरिष्ठ एडवोकेट ताहिर हुसैन रूपड़िया के द्वारा सभी घायल कैदियों का मेडिकल कराने के लिए नूह अदालत में अपील की गई। देखिए एडवोकेट ताहिर हुसैन ने क्या कुछ कहा है। ऐसे है जो अंडर ट्रायल है, जो जिला जेल नूह में बंद है इस वक्त, उनके साथ जेल अथॉरिटीज ने, जेल प्रशासन ने उनके साथ मारपीट की। उनके परिजन जब उनके पास गए मिलने तो उन्होंने हमें बताया, और हालांकि उन्हीं में से एक अक्यूज़ रिलीज हुआ 11 तारीख को,
तो वो भी उन्हीं के साथ ही था जिनके साथ मारपीट की। जब पुलिस ने गलत तरीके से उनके साथ मारपीट की, हालांकि कई लोगों के साथ तो इतनी बुरी तरह मारपीट की कि उनके फ्रैक्चर तक आ गए, कंफ्यूज राहुल है निजामपुर गाँव का, तो उनके रिगार्डिंग हमने एप्लीकेशन लगाई सीजीएम साहब के यहाँ। तो सीजीएम साहब के यहाँ इस अक्यूज़र राहुल को तलब किया, वो फिजिकली अपीयर हुआ, प्रोडक्शन वारंट भेजे थे और जेल अथॉरिटीज़ को नोटिस दिया गया था इसमें कि वो अपना रिप्लाई भी फाइल करें। आज उन्होंने अपना रिप्लाई दाखिल किया है, हालांकि उनकी तरफ से एडमिशन नहीं है। उनका कहना ये है कि ये लोग डोडी में नहीं जा रहे थे या इन्होंने प्रॉपर सही तरीके से नहीं रह रहे थे, ये उनका सब बहाना था। लेकिन किसी भी तरह जेल अथॉरिटीज़ को जो अंडर ट्रायल अक्यूज है उनको मारने का कोई अधिकार नहीं, कोई राइट नहीं है। मुलजिमों के अपने अख्तियार आते हैं, अपने राइट्स हैं, तो उनके राइट्स का भी इन्हें वायलेशन हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग हमने कंप्लेंट की है। अब मेडिकल के लिए आज हुक्म हुए हैं तो उन लोगों का आज मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया है। अब देखते हैं मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद। कितने का मेडिकल हुआ है सर? 5 लोगों का मेडिकल। कितने के ज्यादा क्रिटिकल, ज्यादा चोट? राहुल नाम का क्यूज है, उसकी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। इवन वो आज कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट में चलने की पोजीशन में भी नहीं है, उसको 4 पुलिस वाले अपने साथ लेके आ रहे हैं, तब जाके वो अदालत में पेश किया गया है। उसका अभी तक मेडिकल नहीं कराया गया है? नहीं, अभी लास्ट आवर्स में उसका 3 बजे के बाद उसके ऑर्डर हुए हैं। ये कौन से कोर्ट ने ऑर्डर किया? ये जोगिंदर सिंह जी हैं हमारे ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में बात, उन्होंने ये ऑर्डर किए हैं। उनका मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में मेडिकल होगा, डायरेक्शन दिए उसमें बाकायदा कि उनका मेडिकल हो, और मेडिकल के बाद उनकी मंडे या ट्यूजडे मंडे को रिपोर्ट उनकी दाखिल होगी अदालत में कि क्या मेडिकल कराया। लंगड़ा के चल रहे हैं अभी, सबन ने देखे हैं, जितने भी इन पब्लिक है और भी बहुत भाई हैं, सबन ने देखे हैं, सब लंगड़ा के चल रहे हैं। अब अंदर का मामले तो अंदर वाले ही जाने, उनके गैल क्या जुर्म हुआ क्या नहीं हुआ, हमें तो कोई मिलन ही नहीं दे रहा उनसे, ताकि हम अपने से रब्ता कर सकें। अब हमने न्याय पर पूरा भरोसा है, हमने हाई कोर्ट डीजे साहब के भी दिए है, नो कोर्ट में डालसा मैडम को भी हमने शिकायत पेश करी है बाकायदा लिखत में, और जो भी हमने अपनी जो भी कानून की हुए हमने अपने वकीलों के थ्रू अपने कानून कार्रवाई हम करवा रहे हैं। सुनवाई क्या सुपरिटेंडेंट को तलब किया है कोर्ट ने? ये चीज की मेरे को अभी इतला इस चीज की ना है। अदालत ने सभी घायलों का मेडिकल कराने का आदेश दिया, जिसके तहत शनिवार को 4 विचाराधीन कैदियों का अल आफिया मंडीखेड़ा अस्पताल में 3 सदस्य बोर्ड के द्वारा मेडिकल कराया गया। इस पूरे मामले में डॉक्टर सचिन का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये 4 मरीज हमारे पास आए थे, सोहेल, शौकीन, उसामा और इम्तियाज, ये 4 जेल से हमारे पास आज सुबह आए। इनका शारीरिक परीक्षण मेडिकल बोर्ड के द्वारा करने के लिए कोर्ट के ऑर्डर थे, उसमें बोर्ड हमारे डॉक्टर का यहाँ पे बनाया गया, जिसमें 3 डॉक्टर थे, डॉक्टर सचिन, मैं, डॉक्टर मनीष और डॉक्टर नितिश। हम तीनों ने मिलकर इनका जो परीक्षण है वो किया है, और इनकी जो भी चोटें थी या जो शरीर पे निशान थे उनका विवरण हम MLR में करके अंकित करके पुलिस को सौंपेंगे। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार।